वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई से आतंकी की गिरफ्तारी पर फडणवीस बोले, यह खतरे की घंटी, नकदी और आभूषण उड़ाए। राज्यपाल कोश्यारी आज नागपुर में। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल साकी नाका में हुए बलात्कार के मामले को शिवसेना के मुखपत्र सामना में जौनपुर पैटर्न का नाम दिया गया है। इसी बात से नाराज संजय पांडे ने संजय राउत के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या संजय राउत औरंगाबाद मामले को औरंगाबाद पैटर्न कहेंगे, क्या पुणे के मामले को पूना पैटर्न कहेंगे, क्या संजय राठौड़ मामले को बीड़ पैटर्न कहेंगे। अपराधियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होते हैं। देखिए, बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना एक खतरे की घंटी है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं, आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। नहीं, बहुत ऐसे लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। दूसरी खबर, प्रतापनगर थाना अंतर्गत चोरी हुई, किसी ने नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग नहीं मिला है। सुभाष नगर स्थित नाइक लेआउट निवासी राघव गणेश कवि मंडन है। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण 9 सितंबर को राघव पिता से मिलने अपने गांव बुलढाणा गया था। इस दौरान किसी ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। दो अलमारियों से सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए की नकदी, कुल 1,11,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। तीसरी खबर, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नागपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। दौरे में वे नागपुर विद्यापीठ के संरक्षण विषय पाठ्यक्रम केंद्र का बुधवार को उद्घाटन करेंगे। 15 सितंबर को मुंबई से सुबह 10:30 बजे नागपुर विमानतल पर आगमन करेंगे। सुबह 10:25 पर वे विमानतल से वाहन से राजभवन की ओर रवाना होंगे। शाम 4 बजे राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में पाठ्यक्रम केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार सुबह 11:30 बजे पुणे रवाना होंगे। अब आप हमारे चैनल का ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखकर ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।